हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 7th विषय सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक रहेगा समानता। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आप देखिए, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? तो सभी बच्चे जानते हैं ये तस्वीर कब की है। जब हम इलेक्शन में अपना वोट डालते हैं, इलेक्शन होते हैं, तब की ये क्या है, तस्वीर है। तो आपके मन में क्या आता है जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हो, अपने घर के सभी जो सदस्य हैं उनको वोट डालते हुए जाते हुए देखते हो? जी हाँ, हमारे मन में आता है कि हम सब समान हैं और सभी को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो ये जो है, इस तरह का भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे वोटर कार्ड दिए जाते हैं। और बच्चों ये मशीनें हैं जिनसे क्या डाली जाती हैं, वोट जो है डाली जाती हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। तो बेटा भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, यानी शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वे गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। अब देखिए, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बेटा ये वयस्क का मतलब क्या है, यानी हमारे देश में उन्हीं को अधिकार है वोट डालने का जिनकी उम्र जो है वो 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको वयस्क कहा जाता है। तो ये जो है क्या कहा जाएगा, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी मत डालने का अधिकार केवल वयस्क को है जिनकी उम्र जो है क्या है, 18 वर्ष या उससे अधिक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। अब ये जो सार्वभौमिक मताधिकार का विचार है ये किस पर आधारित है, समानता, यानी सभी जो है समान है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। तो जो है हर एक व्यक्ति को बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार है। एक वोट हर कोई जो है दे सकता है और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिनको क्या अधिकार है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। यानी बेटा यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, हमें मत देने का अधिकार तो है लेकिन हम समानता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामाजिक रूप से भी सभी जो है वो समान हैं। सामाजिक रूप से भेदभाव हमारे देश में पर्याप्त रूप से व्यापक हैं, ठीक है, चाहे फिर वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। जैसे सामाजिक असमानता, धर्म के आधार पर सामाजिक असमानताएं हमारे देश में फैली हुई हैं, जाति के नाम पर हैं, लिंग के नाम पर, यानी स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है, अमीर गरीब के जो है में भेदभाव किया जाता है। तो ये सामाजिक असमानता हमारे देश में फैली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है, यानी राजनीतिक रूप से जिस तरह सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो ये राजनीतिक रूप हो गया। राजनीतिक रूप से तो सभी समान है लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म जो है वो किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ। तो कुछ लोगों के साथ जो है असमानता का व्यवहार केवल किस आधार पर किया जाता है, धर्म के आधार पर, कि किस धर्म में पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ है, लड़का है या लड़की है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के, यानी वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या गरीब हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर भी लोगों से क्या किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। जब लोगों के साथ
असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। गरिमा क्या होता है? गरिमा होता है अपना सम्मान। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करके उनको उनके हक से दूर रखा जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, यानी उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है, यानी हर किसी को सम्मान जो है और जो है गरिमा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कार्य अपने अनुसार कर रहा है। ठीक है, चाहे कोई कार्य, फिर कार्य जो है करना होता है, कार्य जो है कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, तो सबको समान सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए। 1975 में बनी दीवार फिल्म में सभी बच्चों ने जो है देखी होगी दीवार फिल्म। दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। ठीक है बेटा, तो काफी फेमस जो है ये मूवी है अमिताभ बच्चन जी की, तो उसमें दिखाया गया है कि जो जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का है वो जो अमीर लोग जो है उसको पैसे फेंक कर देते हैं, उनको उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी क्या है, गरिमा है, यानी उसका भी अपना एक सम्मान है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा क्या है? व्यस्क। व्यस्क क्या है, किसे कहेंगे हम व्यस्क? हमने अभी पढ़ा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको व्यस्क कहा जाता है और उसी को जो है मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए समानता। समानता क्या होती है? बराबर होने की अवस्था, यानी समानता का मतलब क्या है? बराबर होने की जो अवस्था है, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। नेक्स्ट देखिए गरिमा। गरिमा क्या होता है? इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने का है। तो गरिमा क्या है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो जो है सम्मान के अधिकारी हैं, चाहे फिर वो काम जो है वो काम छोटा हो या बड़ा हो, तो वो क्या कहलाती है? वो जो है गरिमा कहलाती है। नेक्स्ट बच्चे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है, यानी ऐसी सरकार जिसको लोग जो है वो बनाते हैं, जनता बनाती है, यानी जनता की जो है सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, वो क्या है? लोकतंत्र है। और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो इसमें बच्चों, यानी सरकार जिसमें जो है लोगों में शक्ति है, आप जानते हैं कि हम सब जो है समय समय पर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और उनमें हम जो है अपनी सरकार खुद चुनते हैं, फिर चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए बेटा, अब आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्री और श्रीमती अंसारी की कहानियां अपनी पुस्तक से पढ़ें, तो ये आपके लिए काम है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो बेटा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि भारत जो है एक जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सबको, यहाँ से लिखेंगे बेटा, भारत जैसे, क्वेश्चन नंबर वन, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब व्यस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू गिवन है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आप जो है चुनाव में सोचिए, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप व्यस्क नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष नहीं हुई है। तो जब आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी तब आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, नहीं हम वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वोट डालने के लिए व्यस्क होना चाहिए। व्यस्क यानी उम्र जो है वो 18 वर्ष से, 18 वर्ष या आप ऐसे, सो बेटा ये लिख लेंगे आप, नहीं हम वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वोट डालने के लिए व्यस्क होना चाहिए। व्यस्क यानी उम्र जो है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम वोट डाल सकते हैं। तो ये बेटा आप इसका क्वेश्चन नंबर टू का
आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, आपको क्लियर है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है वो क्या होता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, समानता क्या होती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जो है आपको नहीं समझ आ रहा कुछ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।